बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इजी गोट फार्मिंग में सरदार माजिद गुजर की तरफ से अस्सलामुअलैकुम। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि बकरा हाइट नहीं बढ़ा रहा, बकरे की हाइट बढ़ नहीं रही, बकरा छोटा रह गया है। इस टॉपिक के ऊपर अक्सर लोग इस बात से परेशान होते हैं, वो बकरा लाते हैं, पालते हैं, लेकिन बकरे साल भर पालने के बाद भी उनका बकरा हाइट नहीं निकालता। फिर वो इस बारे में लोगों से पूछते हैं कि हमने बहुत कुछ खिलाया बकरे को लेकिन बकरे ने हाइट नहीं निकाली। तो आज का हमारा टॉपिक इसी बात के ऊपर है। आज इसके ऊपर हम कंप्लीट बात करेंगे और आपको गाइड करेंगे कि बकरे हाइट क्यों नहीं निकालते। देखिए फ्रेंड्स, बकरा हाइट नहीं निकालता, उसकी सबसे बड़ी वजह उसकी ब्रीड होती है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो बकरा आप पाल रहे हैं वो ब्रीड में कौन सी नस्ल से है। क्या वो किसी आम देसी नस्ल का बकरा है, या टेडी नस्ल का बकरा है, या किसी ऐसी ब्रीड का बकरा है जिसमें हाइट बड़ी होती है, जैसे कामोरी नस्ल, पटेरी नस्ल, गुलाबी नस्ल, या पंजाब की बीतल नस्ल, राजनपुरी बकरा। अगर आपका ऐसा कोई बकरा है जो लंबी हाइट का है, जिसमें बकरियां और बकरे बड़े अच्छी हाइट के होते हैं, फिर भी वो ब्रीड हाइट नहीं निकाल रहा, तो ये मसला है। लेकिन अगर आपके पास जो ब्रीड है वो किसी देसी बकरा आप पाल रहे हैं, जिसका आपको ये नहीं पता कि जो ये बच्चा आप पाल रहे हो इसका बाप कौन सा था, ये किसी टेढ़े का बच्चा है, किसी देसी नस्ल के छोटे कद के बकरे का बच्चा है, तो उसने यकीनन हाइट नहीं बढ़ानी, क्योंकि उसकी नस्ल के अंदर ही हाइट नहीं है। वो उतनी ही हाइट निकालेगा जो उसकी नस्ल के अंदर होगी। लेकिन अगर आपके पास कामोरी, पटेरी, गुलाबी या बीतल नस्ल में से कोई बकरा है, या राजनपुरी बकरा है, और वो हाइट नहीं निकाल रहा, तो इसकी दूसरी वजह जो होती है, सबसे अहम वजह, वो होती है बकरे को उसकी माँ का दूध नहीं मिला होता। आप ये देखेंगे, जब भी आप मार्केट से जाकर 2, 4, 6 महीने का बच्चा परचेस करते हैं, स्पेशली लोग जो बकरा कुर्बानी के लिए पालते हैं, वो 2.5 से 3 महीने का छोटा बच्चा परचेस करके घर में लाकर उसको पालते हैं, फिर साल बाद वो ये गिला करते हैं कि हमारे पास जो बकरा हमने पाला था उसने हाइट नहीं निकाली। देखें दोस्तों, जब आप जो बच्चा परचेस करते हैं व्यापारी हजरात से, वो बच्चे को शुरू के 5, 7, 15 दिन तक तो दूध पिलाते हैं, उसके बाद वो बच्चे को उसकी माँ का दूध नहीं पिलाते। सबसे बड़ी और मेन वजह बकरे की हाइट के अंदर बहुत अहम रोल है उसकी माँ का दूध का। अगर बकरे को 2.5 से 3 महीने अपनी माँ का दूध मिला हो प्रॉपर, तो वो बकरा लाजमी अपनी नस्ल के मुताबिक प्रॉपर हाइट निकालता है, चाहे उसका बाप या उसकी नस्ल में वो बकरे 47 इंच 45 इंच का हो, तो वो बच्चा भी उसी हाइट तक जाता है अगर उसको उसकी माँ का दूध मिला हो स्टार्टिंग के 2.5 से 3 महीने। लेकिन अक्सर हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि व्यापारी हजरात 10 से 15 दिन बकरी का दूध पिलाकर बच्चे को, उसके बाद उसको अलग कर देते हैं, फिर उसको घास वगैरह पर लगाकर और मार्केट में लाकर सेल कर देते हैं। अब ऐसा बच्चा जब आप परचेस करेंगे 2.5-3 महीने का, तो उसको आप कुछ भी खिलाएंगे वो भरपूर हाइट नहीं निकालेगा, क्योंकि उसको बेसिक में उसको माँ का दूध ही नहीं मिला, उसका जिस्म ही नहीं बना। जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी जो पेट की ओजरी होती है वो बहुत नाजुक होती है, वो घास या ये दाना वगैरह हजम नहीं करती, उसको उस टाइम पर माँ का दूध चाहिए होता है। लेकिन व्यापारी हजरात माँ का दूध देते नहीं हैं, उनको घास वगैरह पर लगा देते हैं। जब आप परचेस करके ले आते हैं तो आप भी उनको दूध नहीं पिलाते फीडर से, बल्कि आप उनको घास और दाना वगैरह देते हैं, जिससे उनकी ओजरी बढ़ जाती है, उनका पेट मोटा होकर लटक जाता है। जब ऐसे बच्चों का पेट लटक जाता है, मोटे हो जाते हैं, तो वो बच्चे हाइट प्रॉपर नहीं निकालते। सबसे बड़ी वजह है बकरे को उसकी माँ का दूध नहीं मिला होता बच्चे को, इस वजह से बच्चा अपनी हाइट नहीं निकालता। इसके बाद अगर आपने कोई ऐसा बच्चा परचेस किया 2.5 से 3 महीने 4 महीने का बकरा परचेस किया मार्केट से, तो वो पहले तो आपको 4 महीने का बच्चा भी बता रहा होगा, उसकी शक्ल से, उसकी जिसामत से पता चल रहा होगा कि इसने माँ का दूध पिया हुआ है या नहीं पिया हुआ। अगर नहीं पिया होगा तो वो अपने उम्र के हिसाब से बहुत छोटा होगा, बहुत मरगिला सा होगा, उसके बाल बड़े बड़े हुए होंगे, उसके अंदर वो चमक ही नहीं होगी। लेकिन अगर आपने ऐसा बच्चा परचेस कर लिया किसी के घर से, कहीं से भी, जिसने अपनी माँ का भरपूर दूध पिया है, अब आप उसको अपने घर पर ले आए, तो दूसरा जो उस पर इफ़ेक्ट करता है उसकी हाइट के ऊपर, वो उसकी अच्छी खुराक होती है। अगर आप उसको अच्छी खुराक नहीं देते तो बकरा अपनी हाइट प्रॉपर नहीं निकालता। और तीसरी और मेन और अहम वजह है कि आप बकरे को छोटी उम्र में ही खस्सी करवा देते हैं, उसको पंच करवा देते हैं, इस वजह से भी बकरा अपनी भरपूर हाइट नहीं निकाल पाता।
ना ही भरपूर हाइट निकालता है, बल्कि उसकी शक्ल भी बकरी जैसी हो जाती है, बिल्कुल फीमेल की तरह का एक मेल बकरा फीमेल जैसा बन जाता है। सबसे बड़ी गलती हमारे यहाँ यही होती है कि लोग बच्चे को 3 महीने, 4 महीने या 2 महीने के बच्चे को ही पंच करवा के खसी करवा देते हैं कि उसको हमने खसी करा कर अच्छा बनाना है। फिर वो अच्छा बन तो जाता है लेकिन उसकी हाइट नहीं बढ़ती। हाइट बढ़ाने के लिए ये लाजमी है कि आप बकरे को 2 दांत या 4 दांत के बाद पंच करवाएं, खसी करवाएं, फिर आप उस पर मज़ा देखिएगा जब आप उसको पालेंगे। तो जिस तरह आपने YouTube पे बकरे देखे होंगे 200 केजी लाइव वेट, 250 केजी लाइव वेट, तो यकीनन आपका बकरा भी 200 केजी, 250 केजी लाइव वेट का ही होगा जब आप उसको 2 साल के बाद, 2 दांत होने के बाद या 4 दांत होने के बाद खसी करवाएंगे। तो अगर आपने बच्चे को 3 महीने, 2 महीने की उम्र में ही पंच करवा के खसी करवा दिया या किसी भी तरीके से खसी करवा दिया, तो वो बच्चा हाइट नहीं निकालेगा, जिसामत तो बना लेगा, मोटा ताज़ा हो जाएगा, लेकिन उसकी हाइट भरपूर नहीं निकलेगी। तो ये 3 वजूहत होती हैं। पहली वजह ये होती है, सबसे मेन वजह होती है कि जो बच्चा आपने पाला है उसने अपने बेसिक में अपनी माँ का दूध नहीं पिया। सेकेंड वजह उसमें ये होती है कि आपने उसको अच्छी खुराक नहीं खिलाई। और थर्ड वजह होती है कि आपने उसको पंच करवा के उसको खसी करवा दिया है छोटी उम्र में, इस वजह से वो हाइट नहीं निकाल रहा है। तो पंच कभी भी बकरे को करवाना हो, खसी करवाना हो, तो आपने 2 दांत के बाद या 4 दांत के बाद खसी करवाना है, तो इंशाल्लाह आपका बकरे का हाइट भी भरपूर निकालेगा और सेहत भी बहुत भरपूर बनाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।